नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, जो पार्टी अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर सकती, फिर कैप्टन हो या राजबब्बर, कैसी चुनौती। जेजेपी प्रत्याशी द्वारा राव चुनाव के समय में ही घर से बाहर निकलते के सवाल पर कहा कि अपोजिशन है कुछ तो कहेगा, हमें बस अपनी लकीर बड़ी खींचनी है। भाजपा को 370 कैसे मिलेगी, इसका भी गणित समझाया। वहीं गुरुग्राम लोकसभा के 4.5 लाख फर्स्ट टाइम वोटर को लोकतंत्र में मत का महत्व भी समझाया और कहा कि इनका मतदान बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं छठी बार 6 लाख पार को लेकर बोले कि मैं पंडित नहीं, लेकिन पहले से बड़ी जीत जरूर होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि गफलत में न रहे, हमें एक एक वोट की चौकीदारी करनी है और अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करना है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। बता दें कि लगातार जिस तरह से पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहा है, कहीं न कहीं नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं, प्रत्येक जनसभा में मतदाताओं को प्रेरित करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं संगवाड़ी गांव के सरपंच राम सिंह छाबड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राव ने गुरुग्राम लोकसभा के मतदाताओं को 80% मतदान का टारगेट दिया। वहीं गांव की महिलाओं द्वारा स्वागत गीत गाने पर कहा कि पहली बार इस तरह का स्वागत देखने को मिला है। कार्यक्रम में कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, रेवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी रहे सुनील मुस्सेपुर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली, इंसाफ मंच के आजीवन सदस्य अनिल रायपुर, पूर्व जिला पार्षद अजय पाटोदा, प्रशांत उर्फ सन्नी, पूर्व जिला प्रमुख शशि बाला, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव, भाजपा जिला महामंत्री शतदेव यादव व ईश्वर चनेजा सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपको दिखाते हैं कि गांव संगवाड़ी में भव्य स्वागत से अभिभूत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंच से क्या कहा, वहीं पत्रकारों के सवालों के जवाब में क्या बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। माताओं बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और वोट मांगने आए हैं वो तो आप सभी को पता ही है, वोट मांगते आए हैं, आप वोट देते आए हैं। कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, ये तो वोटों का खेल है। लेकिन आज के दिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे पिछले 45 साल के दौरान इस क्षेत्र की जनता की 36 बिरादरी की तरफ से इतना खासा सहयोग मिलता आया है और पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता आया है कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। सिर्फ आपके चेहरों के ऊपर जब मैं मिलता हूं खुशी देख करके ये बयान होता है, या मैं उनका काम करने के लिए जो काम उठाता हूं तो मेरे दिल में चैन आता है कि इन लोगों ने मेरे लिए काम किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी इनके लिए जितना हो सकता है सो काम करूं। 10 साल हमारी पार्टी को देश के अंदर शासन चलाते हुए, और मुझे याद है आज से 10-12 बरस पहले जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2 आती थी 4 आती थी विधानसभा के अंदर, और किसी ना किसी और पार्टी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तसल्ली रखनी पड़ती थी। और यह नहीं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस टाइम के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे नेता नहीं थे। रोहतक के डॉक्टर मंगल सेन हुआ करते थे, मैं ऑपोजिशन के अंदर जब बैठा करता था तो उनकी बात सुनने के लिए मैं उत्सुक हुआ करता था कि किस तरह से ये किस लहजे से ये भारतीय जनता वाले पार्टी वाले भाषण देते। लेकिन वोटों का खेल है, खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी 2014 तक अपने बलबूते पर ना देश में सत्तासीन हो पाई और ना प्रदेश के अंदर सत्तासीन हो पाई। और 14 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम नरेंद्र भाई मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर तजवीज करेंगे, तो भाई आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं क्या हुआ। ना केवल देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उसके फलस्वरूप हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बनी।
अनेक सरकारों पे ये इल्जाम लगा करते थे कि भाई ये अगर जीत जाएगा तो भिवानी में सत्ता चली जाएगी, तो पैसा भी ज्वाइन चला जाएगा। रोहतक की सरकार बन गई तो रोहतक में चला जाएगा, सरसा की बन गई तो सरसा चला जाएगा। ये मैं मानता हूं कि पिछले 10 साल के अंदर भारत सरकार ने भी और हरियाणा की सरकार ने भी प्रयास किए हैं कि जो संपत्ति भारत सरकार की हो या विधानसभा की हो, उसको बराबर के तौर पे या तो देश के अंदर बांटा जाए या प्रदेश के अंदर बांटा जाए। और ये 10 साल के अंदर सुचारू रूप से सब क्षेत्रों का डेवलपमेंट करने का प्रयास किया गया। ये पिछले 5 साल जो गुजरे, 3 साल आप याद करो, कोविड की प्रकोप की वजह से कोई काम नहीं हो पाए। 2-2.5 साल जो बकाए थे, जिसके अंत अब आने लग रहे हैं, इनके अंदर आप अगर देखोगे तो किस तरह से आज के दिन किस रफ्तार से काम चल रहा है। राम सिंह ने तो अपने गांव की बता दी और सरपंच बैठे वो भी अपने गांव की बता देंगे, लेकिन ये इलेक्शन आज के दिन ना गांव का है, ना जिला परिषद का है, ना हरियाणा का है, ये केंद्र का है, देश का इलेक्शन है। देश की स्थिति भांपने के लिए, देश की स्थिति संवारने के लिए आज के दिन मैं समझता हूं कोई दो राय नहीं हो सकती कि नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार अपने प्रधानमंत्री बना। और भाई जरिया क्या है? मैं पार्टी का उम्मीदवार हूं, मैं जरिया हूं। अब लोग कहते हैं तू घर बैठे जीते। भाई घर बैठे तो जब जीतूंगा, कोई ऑपोजिशन का पर्चा नहीं भरेगा तू। नहीं, पर मैं तो यूं कहूं कि कोई ना कोई पर्चा भरेगा। और किसी भी इलेक्शन को कमजोर नहीं मानना चाहिए, और गर्मी के दौरान हो रहा है ये इलेक्शन। और हमारे 4.5 लाख वोटर ऐसे हैं, आप ही के कुनबे वाले जो होंगे, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। और जो नौजवान है, जब तक कि कान के पीछे से अभी तक गीला होता है तो अभी तक उसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थायी नहीं होती है, तो कई बार उपद्रवी भी हो जाता है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को भी संवारें। और बच्चों से मेरा निवेदन है जो पहली बार अपना वोट डालने जाएंगे, कि भाई देखो 10 साल के अंदर देश की साख विश्व में बड़ी है, देश के हर कोने से आवाज निकलने लग रही है कि हिंदुस्तान अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जब 100 साल आजादी के हमारे पूरे हो जाएंगे तो शायद हम विश्व की एक आर्थिक ताकत बन जाएंगे। तो आज मैं आपके बीच के अंदर इसलिए कहने आया हूं कि आपने मुझे संवारा है, मुझे अब याद किया है, मैं जो आया हूं मैंने आपके काम भी किए हैं जितना मेरे बस की थी सो करें। और आपकी दीवी ताकत को मैंने अपने निजी प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आज मौका फिर से है कि जब तीसरी बार मोदी की सरकार बन रही है, तो अब तक जो मेरे को आप लोगों ने हिलाया था, एक मौका और काम करने का आप मुझे दो के काम, केंद्र के काम यहां तक आपके दरवाजे तक मैं लाकर दूं। और 36 बिरादरी से कह रहा हूं, कोई एक बिरादरी नहीं, 2 बिरादरी नहीं, 4 बिरादरी नहीं, सभी का सहयोग से देश बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो आज मैं आपके गांव के अंदर आया हूं। बढ़िया साहब, पहुंचे हैं, लगातार कर रहे हैं, 74 की एज में भी इतनी ऊर्जा के साथ किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है? भाई लोगों का दिया हुआ बल है ना, तो वो उनको ऊर्जावान कर देता है। जिस तरह से आप अपील कर रहे थे कम मतदान हुए, किस तरह से देखते हैं इसको, क्यों निरस्ता है लोगों में? देखो, कम मतदान तो कई बार यूं होता है कि लोग गफलत में यूं सोचते हैं, गफलत में कि भाई जीते तो पड़े, हमारी वोट से क्या फ़र्क पड़ना है, ये तो जीत ही रहा है, इसलिए कम मतदान हो जाता है। लेकिन जब कांटे की टक्कर होती है, टक्कर होने जाती है, तो वोट का मत बढ़ जाता है, परसेंटेज बढ़ जाता है। तो मैं तो सुचेत करने लग रहा हूँ, खासतौर पर इन लोगों को जो यूँ सोचते हैं कि हम तो जीते पड़े हैं, कि भाई जीत जब ही होगी जब बक्से के अंदर वोट जाएगा।
एक 75-40 पे रह गए, तो एक ये भी कांग्रेस की ओर से कह रहा है कि अब की बार 400 पर है, 200 पर रह जाएंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका एक अनुभव लंबा है। देखो इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा के अंदर 2-3 बार सत्तासीन एक एक पार्टी के लोग हुए हैं, लेकिन जो पहली बार से दूसरी बार जब सत्तासीन होते हैं तो पहली बार से कम वोटों से सत्तासीन होते हैं। इतिहास भारतीय जनता पार्टी का 2014 से ये रहा है कि जब भी वो केंद्र के अंदर सत्तासीन हुई है पिछली साल की नस्बत अव्वल से हुई है। पहले 273 से सत्तासीन हुई थी 14 में, फिर 303 से हुई है, इस बार 303 से भी अधिक के होने की पूरी संभावना है। बतौर सर छठा चुनाव है, कितनी चुनौती मानते हैं इस चुनाव का आप, क्योंकि अब उम्मीदवार ही कोई नहीं दिख रहा अभी तक, तो आप कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं छठे चुनाव में? देखो चुनाव तो चुनाव ही होता है, लेकिन जिस तरह से लोगों का सहयोग आज के दिन मेरे को मिल रहा है, जिस तरह से अपोजिशन के कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहे हैं, मेरे को तो ये लगता है कि इसमें खास चुनौती नहीं है कि कोई कैंडिडेट कोई भी आए। कैप्टन या राज बब्बर किसको चुनौती ज़्यादा मानते हैं आप, क्योंकि दोनों पर ही कहीं ना कहीं नाम चल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन आएगा, और मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी मान करके ना मैं भय मानता ना मैं उनका समर्थन के तौर में किसी कह सकता हूँ ये उससे बेहतर है ये उससे बेहतर है। मैं तो अपनी बात कह सकता हूँ, अपने बलबूते के ऊपर, अपनी पार्टी के बलबूते के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के लिए मैं वोट मांग रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जब मैं अपने लिए वोट मांग रहा हूँ, अपने देश के लिए वोट मांग रहा हूँ, तो मेरे सामने कोई मेरा कोई चुनौती नहीं है। छठी बार 6 लाख पार, ये आपके समर्थक एक लगातार नारा दे रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं इसको लेकर? देखो मैं नंबर के अंदर विश्वास नहीं करता, मैं पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ अनुभव के अनुसार कि मेरी जीत पिछले सालों से कहीं ज़्यादा हो गई। एक फाजलपुरी आए हुए ये कह रहे हैं कि राव साहब लोगों के बीच में नहीं आते, उनका इस तरह का सीधा आरोप है, आप इस आरोप को किस तरह से देखते हैं, कैंडिडेट वो भी हैं? नहीं तो जो कैंडिडेट तो कहेगा कुछ ना कुछ, तो ना कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो वो हम जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं उससे हम परेशान नहीं होते, हम जो अपनी लकीर खींच रहे हैं ना औरों की लकीरों से बड़ी लंबी खींचेंगे।